पीएम मोदी के संपूर्ण स्वच्छता अभियान को साकार करने के लिए और पर्यावरण को सुंदर बनाने के उद्देश्य से हमीरपुर नगर परिषद ने पिछले एक साल से कचरा मुक्त हमीरपुर शहर को बनाया है और इस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए रोजाना नगर परिषद हमीरपुर के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों द्वारा दिन रात स्वच्छता को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। हमीरपुर नगर परिषद के 11 वार्डो में कूड़ा कचरा मुक्त बनाने के लिए काम करने के साथ डस्टबिन फ्री हमीरपुर शहर को बनाया गया है, जिसके चलते हमीरपुर शहर में कोई भी डस्टबिन देखने को नहीं मिलता है और गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। यही नहीं, दिन में 2 समय कूड़े कचरे वाली गाड़ी संगीत बजाकर कूड़ा मांगने आती है और दुकानदारों के साथ शहर के बासिंदे भी सूखा व गीला दोनों तरह का कूड़ा कचरा गाड़ी में डाल देते हैं। नगर परिषद के द्वारा गीले और सूखे कचरे से कूड़ा संयंत्र में रोजाना 15 क्विंटल खाद भी तैयार की जा रही है। व्यापार मंडल के महासचिव अश्विनी जगोता ने कहा कि डस्टबिन फ्री की मुहिम से हमीरपुर में कूड़े की समस्या से निजात मिली है। उन्होंने बताया कि अब घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, जिससे शहर के साथ वार्ड भी साफ सुथरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी पहल हमीरपुर में की गई है, जिससे हर कोई खुश है। जो हमारी सरकार ने ये डस्टबिन फ्री करने की जो मुहिम चलाई हुई है, ये बहुत ही अच्छी है। इससे जहाँ पे डस्टबिन रखे होते थे वहाँ पे कूड़े का ढेर लग जाता था और आवारा पशु उस कूड़े के ढेर के पास इर्द गिर्द घूमते रहते थे, और जब से ये डस्टबिन हटा दिए गए हैं और घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है और इससे हमारा शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और इसमें हमारी जो नगर पालिका है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और इसमें रोज़ 2 टाइम हमारे गाड़ी आती है, और जैसे ही गाड़ी आती है तो गाड़ी में एक गाना बजता है, उस गाने को सुन के हर कोई अपने घर से बाहर निकलता है और अपने डस्टबिन में जो कूड़ा करकट रखा होता है घर का, उसको ला के गाड़ी में डाल देता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे बाजार बहुत साफ सुथरा और हमारा वार्ड नंबर 2 के व्यवसायी आशीष नंदा ने बताया कि घर घर से कूड़ा उठाने की योजना बहुत ही बढ़िया है और डस्टबिन मुक्त बनाने का संकल्प बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि संगीत वाली गाड़ी आती है और कचरा ले जाती है, जिससे गंदगी से निजात मिली है। मैं आशीष नंदा वार्ड नंबर 2 का एक व्यापारी हूँ। जो ही सरकार ने मुहिम चलाई हुई है घर घर जाके कूड़ा उठाने की, ये बहुत ही लाभदायक है। मतलब सरकार ने जो है एक डस्टबिन मुक्त हमीरपुर और हिमाचल बनाने का जो ये संकल्प लिया हुआ है, ये बहुत ही बेहतर है, और घर घर जाके कूड़ा उठाना बहुत ही अच्छा काम कर रही है सरकार। जब भी गाड़ी आती है तो गाड़ी में गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो हमने कचरा भर के रखा होता है, गाड़ी वाला आता है और वो कचरा भर के ले जाता है। इससे जो है जहाँ पे भी डस्टबिन रखे हुए थे वहाँ हर जगह गंदगी रहती थी, जगह जगह पशु खड़े रहते थे, मुँह मारते रहते थे, अब वो जो भी काम था वो ख़त्म हो गया, जिससे जो है हमारा हमीरपुर जो है एकदम स्वच्छ बनता जा रहा है। और हमारे नगर परिषद वाले काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के बासिंदे अजय कुमार ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा डस्टबिन फ्री हमीरपुर बनाया हुआ है और दिन में 2 बार कूड़ा लेने के लिए गाड़ियां आती हैं और इससे कूड़े की समस्या से भी निजात मिली है। कुमार बेसिकली हमीरपुर वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूं। हमारे नगर परिषद एरिया में जो कि अपने यहाँ पे नगर परिषद वालों ने डस्टबिन कर दिया जो कि हमारे यहाँ पे 11 वार्ड हैं, तो यहाँ पे हमीरपुर में 11 वार्डों में दिन में 2 बार कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं और हमीरपुर शहर में हर जगह में गाड़ियाँ गली गली में इसकी सेवाएँ दी जा रही हैं। हमें बहुत खुशी है तथा हमें इससे बहुत खुशी है कि हमारे हमीरपुर शहर में डस्टबिन मुक्त कर दिया गया है। जितेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि नगर परिषद अच्छा काम कर रही है और इससे कूड़े की समस्या से भी निजात मिली है, क्योंकि इससे पहले शहर में कूड़ा करकट की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग से उठाया जाता है, जिसमें गंदगी से पूर्णतः निजात मिली है। मैं जितेंद्र मल्होत्रा वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ, और जो ये नगर परिषद द्वारा मुहिम चलाई गई है कि जो कूड़ा घर घर से कलेक्ट कर रहे हैं और गीला कचरा अलग से रखते हैं और सूखा अलग से रख रहे हैं, उससे ये कि नगर परिषद को भी आसानी हो रही है उठाने में,
और जो हमारे कूड़ा रखने का था हिसाब वो भी अच्छा हो गया है। और जो अच्छा कार्य करी है नगर परिषद इसने, इसके लिए हम इसका पहले से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी ऐसा काम करते रहे तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर ने बताया कि शहर को कूड़ा कचरा मुक्त बनाने के लिए मुहिम के तहत काम किया गया है और इसके बढ़िया परिणाम आए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के सभी वार्डों में कूड़ा कचरा को एकत्रित करने के लिए 22 वाहनों से कूड़ा कचरा एकत्रित किया जा रहा है और कूड़ा संयंत्र में 15 क्विंटल खाद भी कूड़े से तैयार की जा रही है। जितने भी नगर परिषद में छोटे या बड़े कूड़ादान रखे थे वो सभी उठा दिए गए हैं और हम डोर टू डोर कूड़ा करकट की कलेक्शन कर रहे हैं। गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग प्रत्येक घर से ले रहे हैं और उसका डिस्पोजल नगर परिषद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जगनेड़ी में वहाँ पर हम कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे नगर परिषद के लगभग 74 कंपोस्ट पिट है, उसमें हम खाद इसकी तैयार कर रहे हैं। और नगर परिषद क्षेत्र का जो डेली का जो जिसको हमारी गाड़ियां जो वो उठाकर ले जा रही हैं, लगभग इस कार्य में 22 छोटे व्हीकल जो है इस कार्य में लगाए हुए हैं और हम सेग्रीगेटेड कूड़ा जो है वो वहां पर ले जा रहे हैं और कंपोस्टिंग कर रहे हैं और लगभग 15 क्विंटल के करीब हमारी खाद जो है वो बनकर तैयार हो गई है। एक दिन में सर गाड़ी कितने बार जाती है कूड़ा लेने? एक दिन में हमारी गाड़ी जो है वो 2 राउंड लगाती है, प्रत्येक गाड़ी में 2-2 राउंड जो है वो हर क्षेत्र में लगा रही है। तो ऐसे कोई शिकायत नहीं आ रही उठाने की। अभी नया टेंडर हुआ है हमारा, फिर भी हमें शिकायतें बहुत कम आ रही है। गौरतलब है कि नगर परिषद का शहर को साफ सुथरा बनाने की मुहिम के चलते हमीरपुर शहर में गंदगी का नामो निशान नहीं रहा है और कूड़ा करकट के कहीं भी ढेर तक नहीं है। साथ ही बाजारों में भी हर दुकानदार ने अपनी अपनी दुकान में डस्टबिन रखे हुए हैं, जिससे स्वच्छता को सभी ने अपनाया है और इससे शहर की सुंदरता को भी 4 चांद लग रहे हैं। पीएम मोदी के स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस काम को कर रहा है।